हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टूवर्ड सक्सेस पर। और इस वीडियो में आज बात करेंगे एलडीसी के पेपर वन की जीके और जीएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। और इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया होता है, तो वह है मलिन नाथ जी। और साथ के साथ में ऐसे ही देखते चलेंगे, हम फाइव नंबर पर जाएंगे ताकि आसानी रहेगी। और फाइव नंबर पर हम देखेंगे, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है, तो वो है सेवन। क्वेश्चन नंबर टू पे आएंगे, पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो यह है जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता लग पाया है, तो अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट करके बता सकते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है जयपुर जिला के अंदर। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, वो है उड़न गिलहरी के लिए। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है, तो वो है जयपुर। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, तो वो है 33%। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो वह है राजवल्लभ, बाकी सभी कुंभा द्वारा रचित हैं। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया, तो वो है के एम मुंशी। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया, तो वो है स्वामी गोविंद गिरी। जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो वह है कानदे प्रबंध। हड़ोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, तो यह है नेदुराम शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा चरी नृत्य है। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो वह है जम्बुजी। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है, तो वो है एथेनॉल। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो यह है 2007 से 2012। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 2017 में शुरू की गई थी। निम्न में से राजस्थान में किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा, तो वो है बांसवाड़ा। हेरिटेज वीक 2017 आयोजन राजस्थान में निम्न में से किस शहर में किया गया, तो ये किया गया था जयपुर में। ऑपरेशन स्वर्ण जिसकी घोषणा 2017 में की गई थी का संबंध किस से है, तो यह है रेलवे से। सूर्य किरण जो होता है भारत और नेपाल के बीच में एक युद्धाभ्यास है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था, तो यह है संगीत से। राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है, तो यह है तृतीय। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे, तो ये है वाजुभाई वाला। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है हड़ौती पठार में। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता पूछ रहा है, और कम साक्षरता दर में के सही क्रम में जिलों को ज़्यादा से कम की तरफ लगाना है, तो इसका सही आंसर होगा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। घग्गर और दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में पाया जाता है, निम्न में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है, तो वह है घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा। तो समूह पहचानना था 30 में, तो यह है खेतरी, सिंघाना, तांबा। सही क्रम इसमें हमें चुनना है, तो बीसलपुर बांध बानस नदी पर है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक कौन से जिले हैं, तो वह है श्रीनगर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर। और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 के में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि की गई, तो यह है 85 वर्ग किलोमीटर की। अरावली वनरोपण परियोजना आरंभ की गई थी, तो 1992 से 1993। राजस्थान सरकार द्वारा हस्त
शिल्प कला के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो कितनी राशि होती है, 25,000। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है चंबल, और राजस्थान में किस योजना का द्वारा ग्रामीणों में उपभोक्ता को मल्टी ब्रांड गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है, तो अन्नपूर्ण भंडार योजना। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, तो चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर, इन सभी में ये पाई जाती है। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो यह है चमड़ा उद्योग। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह है थर्मल पावर यानी कि तापीय शक्ति। वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण पर्यटन केंद्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात क्या रहा, तो यह है 60-40। निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है, तो यह है माही परियोजना। अपनी योजना अपनों विकास किससे संबंधित है, तो यह है ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका। खूसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो यह है अलवर जिले में। राजस्थान के पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के लगभग 7.18% हिस्से का वाद, जिसका आंसर क्या है, ए। पोलावरम डैम निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्नलिखित में से किस पैलेस पर है, तो यह है माधवेंद्र पैलेस। चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है उड़ीसा में। दीपक चाहर किस से संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से संबंधित। पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेड्स के लेखक हैं दलवीर भंडारी। तो ये थे जो क्वेश्चन थे, जीके से आए थे और राजस्थान से आए थे, जिनका हमने आंसर देखा है। अगर आपको लगता है कि आंसर में कोई गलत है तो आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं, और जिस आंसर आपको नहीं मिला है वीडियो के अंदर उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।